हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जनरल रीजनिंग। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुक। SSC CGL MTS CPO रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आदि सभी एग्जाम के लिए जबरदस्त बुक है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से एक एक पॉइंट को जानेंगे। जिसे हमें क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है कि यदि वर्ग वाला डायग्राम यह है, यदि इस वर्ग को बताया है, यदि वर्ग वाहन को दर्शाता है, वाहन वाले लेटर्स को दर्शाता है, वर्त दो पहिया को दर्शाता है, ये वाला दो पहिया, और आयत चौपहिया दर्शाता है, ये आयत हो गया। तो कौन सा अक्षर दो पहिया वाहन को दर्शाता है, ये पूछा है। कौन सा अक्षर दो पहिया वाहन को, अब देखिए दो पहिया वाहन, वाहन भी होना चाहिए और दो पहिया भी होना चाहिए, चौपहिया मना क्या है। तो कौन सा अक्षर दो पहिया वाहन को दर्शाता है, वह वाहन भी है और दो पहिया भी है। तो देख लीजिए, ये वाला आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। सी हमारा वाहन भी है और दो पहिया भी है, तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। तो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये वाला, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 112, आकृति में ये वाली आकृति है जिसमें तीन इमेज बनाई गई है, ये वाली बॉक्स की, ये कार्डबोर्ड की और ये प्लास्टिक की। तो आकृति में कार्डबोर्ड और प्लास्टिक दोनों से कितने डिब्बे हैं, दोनों से। तो देखिए कार्डबोर्ड ये है, कार्डबोर्ड ये है और प्लास्टिक ये है, यहाँ से हमें बताने हैं दोनों से कितने डिब्बे हैं। देखिए दोनों में ये आ रही है संख्या 20, तो 20 दोनों से डिब्बे हैं जो प्लास्टिक और कार्डबोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिब्बों की संख्या है 20 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 113, देखिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित आरेख से उन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान नहीं है। देखिए इंटेलिजेंट को बुद्धिमान बोलते हैं, बुद्धिमान नहीं है यहां तक, क्लियर। तो उन अशिक्षित, ये तो एजुकेटेड है, शिक्षित लोग हैं, तो अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान नहीं है। ये है केवल, ये बुद्धिमान नहीं है यहाँ लोग, और ये शिक्षित है और वो बोल रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या, तो वह संख्या है 42। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 42। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 42। क्वेश्चन नंबर 114, पहला स्टेटमेंट बताना है सत्य है या नहीं है, दूसरा भी बताना है। तो सबसे पहले डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। जो डॉक्टर वकील नहीं है उनकी संख्या 31 है। तो देखिए पहला कथन हमें मालूम करना सत्य है या नहीं है। जो डॉक्टर वकील नहीं है, देखिए ये डॉक्टर हैं और वकील नहीं है, ये वकील है यहाँ तक, क्लियर। और ये लोगों की संख्या ऐसी 4 है, 8 है, 3 है, उनकी संख्या 31 बताइए, हमारी संख्या 8, 4, 12, 3, 15। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, सत्य नहीं है। अब आइए दूसरा, नाइयों की संख्या जो बार बार होते हैं, नाइयों की संख्या ये है यहाँ तक, जो डॉक्टर है नाइयों की संख्या बताए, जो डॉक्टर है 31 है उनकी संख्या। अब देखिए नाइयों की संख्या जो डॉक्टर है, घेरे डॉक्टर के घेरे में आ गए और नाइयों की संख्या में आ गए, उनकी संख्या 31 है। अब देखिए ये वाली संख्या 31 नहीं आती, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो इसका मतलब नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
कुछ लोगों की संख्या होती है और उनमें कुछ विशेषताएं होती है। सही उत्तर देने के लिए आरे का अध्ययन करो। जैसे सुंदर शरारती लड़की, ये सुंदर होगी, ये शरारती होगे और ये लड़की। देखिए तीन इमेज है, सुंदर के लिए वर्ग रिप्रेजेंट किया गया है, शरारती के लिए वर्त और लड़की के लिए ये एरो का चिन्ह रिप्रेजेंट किया गया है। तो सुंदर शरारती लड़की को दर्शाने वाली संख्या जो सुंदर भी हो, शरारती भी हो और लड़की भी हो, ऐसी संख्या 64 है। ये वाली ऐसी संख्या 64 है, उसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो 64 का वर्गमूल 8, तो 64 का वर्गमूल 8 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही सरल और सुंदर तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 116, देखिए क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। कितनी कार पीली नहीं है, तो देखो पीली का डायग्राम ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, इसको तो हटा देंगे क्योंकि पीली नहीं है, उन्हें मना किया गया है। तो कार का ये डायग्राम रह गया इतना, ये, और पीली को मना किया है, रेड हो सकती है। तो कितनी कार पीली नहीं है, तो 9 जमा 10 बराबर 19 कार, 19 कार पीली नहीं है, पीली नहीं है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बड़ा आसान और सरल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 बड़ा ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। कितने भूरे सफेद नहीं है, देखिए कितने भूरे सफेद नहीं है, ये हमारे भूरे हो गए यानी कि ब्राउन, ब्राउन को बोलते हैं भूरे, और ये सफेद हो गए। कितने भूरे सफेद नहीं है, तो सफेद को तो कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ब्राउन ले लेंगे हम, ब्राउन, ब्राउन हमारा ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे ब्राउन। ब्राउन में कितने आ गए, 7 और 14, 7 प्लस 14 21, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 7 प्लस 14 21, ऑप्शन ए। देखिए बहुत ही आसानी से हमें क्वेश्चन का मालूम हो गया है कि 7 प्लस 14 21, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, देखिए क्वेश्चन नंबर 118 हमें मालूम करना है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत वाला बताना है। जैसे कि पहले कथन में बताया कि गाजरों की कुल संख्या 47 है, तो गाजरों का ये वाला डायग्राम है, तो इसमें गिन कर देखते हैं कि गाजरों की संख्या 47 आती है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं गाजर कितनी है, 11 9 20, ऐसे ही जोड़ लीजिए, 11 9 20, 28 2 30, 30 और 16 40, 40 आता है, जबकि कथन में बताया गया है कि गाजरों की कुल संख्या 47 है, हमारा आता है गाजरों की कुल संख्या 46। तो इसका मतलब ये पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ बताया है 47 जबकि रियल में है 46, तो इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, टायरों की संख्या जो सफ़ेद नहीं है 22 है, अब देखिए सफ़ेद नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सफ़ेद वाला, और टायरों की संख्या काउंट करनी है, टायर ये है हमारा, तो यहाँ से यहाँ लो तो ये सफ़ेद है, इसको हटा देंगे, बाकी टायर का ये पोर्शन रह जाएगा, ये 16 और 4 20, 16 प्लस 4 20, टायरों की संख्या हमारे हिसाब से 20 बन रही है, लेकिन वह कह रहा है कि 22 है, तो ये वाला कथन भी गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों ही कथन गलत है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा कथन सही है, हमें ये चार कथन दिए गए हैं
और इन चार कथन के अनुसार ये वाला हमें डायग्राम दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें ये वाला जो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ये है कप, और जो ये आयत को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है ये बोतल, और इस प्रकार जो आयत को रिप्रेजेंट करता है यह है ग्लास। क्लियर? अब आइए पहला कथन देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। बोतलों की संख्या जो कम से कम गिलास है पांच है। देखिए बोतल, देखिए कम से कम गिलास है, बोतल की संख्या ये है, तो बोतल की ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, और कम से कम गिलास है ये भी हट जाएगी। ये है बोतल की संख्या जो कम से कम गिलास है, तीन, जबकि यहाँ दिया है पांच, तो ये कैंसिल आउट हो गया पहला कथन। गिलासों की कुल संख्या 34 है। देखिए गिलासों की कुल संख्या जोड़ लीजिए, 11 8 19, 20 2 22 9 31, 31 है जबकि यहाँ बताया गया है 34, यह भी कैंसिल आउट। कपों की संख्या जो बोतल नहीं है 17। देखिए कपों की संख्या, कप की संख्या यहाँ तक आएगी, बट उसने कहा है जो बोतल नहीं है ये भी हटेगा, और ये भी हटेगा जो बोतल नहीं है, और बोतल में ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, क्योंकि जो बोतल नहीं है बोतल का पूरा पैकेज हट जाएगा ये, तो कपों की संख्या ये वाली ये वाली ये वाली जुड़ जाएगी। देखिए 8 6 14 3 17 है, बिल्कुल सही, मतलब बोतल की ये वाली संख्या हट जाएगी, कपों की वही संख्या लेंगे जो बोतल ना हो, तो ये वाली बोतल नहीं है, तो 8 6 14 3 17 है, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। कपों की कुल संख्या 11 है। देखिए अब कप देख लीजिए, टोटल कपों की संख्या 11 नहीं है, 11 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये वाला बनता है, ऑप्शन सी वाला, ओनली थर्ड, ये वाला ओनली थर्ड, तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो लीजिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 20 आता है, कौन सा कथन सही है हमें सही बताना है। पुरुषों की संख्या जो महिला नहीं है 27 है। देखिए पुरुषों की संख्या जो महिला ना हो, यहाँ से यहाँ लो, पुरुषों की संख्या जो महिला ना हो कितनी है 27। 27 देखना है, 16 2 18 18 9 27, बिल्कुल सही है, 16 2 18 और 18 में 9 जोड़ेंगे 27, बिल्कुल सही है पहला कथन। मनुष्यों की संख्या जो न तो नर है और न ही मादा है, न तो नर और ना ही मादा है ऐसे, तो मनुष्यों की संख्या, ये उमन है, मनुष्यों की संख्या यहाँ पर बताई है 10, तो हमारी भी 10 ही निकलेगी, 8 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, तो कुल 10 है हमारी भी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन पहला और दूसरा सत्य है, तो देखेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 121, देखिए बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो हमें गलत कथन बताना है, इसका मतलब इसमें 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा, तो गलत वाला बताना है। ये हमारा एक डायग्राम दिया है, ये त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है अमरूद, और आयत को रिप्रेजेंट करता है टमाटर, और सर्किल को रिप्रेजेंट करता है अंगूर। तो देखिए अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है 13, तो अंगूरों की संख्या देखिए 13 है का, जो टमाटर नहीं है तो 13 है, यानी 10 3 13, सही है ये, हमें निकालना गलत, जो गलत है उसका पता करना है। अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर है 10 है। देखिए अमरूदों की वह संख्या जो केवल अंगूर है, ये रहा केवल अंगूर और अमरूद जिसमें टमाटर नहीं होगा 10 है, ये भी सही है, हमें निकालना है
कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सी देखेंगे, टमाटर की संख्या जो न अंगूर ही अंगूर और न ही अमरूद है 9 है। देखिए ना तो अंगूर है ना अमरूद है, उसकी संख्या 8 है जबकि इसने कहा 9 है, तो ये वाला कथन गलत है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। टमाटर की कुल संख्या 34 है, 8, 9, 11, 6 अगर इन सभी को जोड़े तो 34 है, ये वाला भी कथन सही है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ये वाला गलत है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। फोन, फोन की कुल संख्या कितनी है? देखिए फोन है ये वाला और फोन का डायग्राम यहाँ तक है तो इसको जोड़ लीजिए। फोन की जो संख्या है 11 + 8 + 10 + 5 जोड़िए कितनी हो गई 15। 5 + 20 = 23 + 1 = 24 + 10 = 34 34 है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक टेक्निक और कलाकारी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत सुंदर तरीके से कराया जाएगा।